बढ़ा देगा। शायद तभी वार दिन ब दिन धारदार होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है, एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राफेल में क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। बात सिर्फ सरकार पर जुबानी हमले तक नहीं रुकी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार के मुखिया को अनिल अंबानी का चौकीदार बताकर इस्तीफा तक मांग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। युवाओं, आप रोजगार ढूंढ रहे हो, हिंदुस्तान के किसान दबे हैं, कुचले हुए हैं, और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं, तो दबाव तो हमारा है और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो देना चाहिए अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। जिस बात के लिए प्रधानमंत्री आए, वो प्रधानमंत्री ने ही मतलब भ्रष्टाचार करा है। राफेल डील पर हर दिन कुछ नया हो रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रक्रिया की जानकारी मांग ली, तो अब फ्रांस की मीडिया ने दावा किया है कि डसॉल्ट कंपनी पर अनिल अंबानी की कंपनी को डील में शामिल करने के लिए दबाव डाला गया। पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं। पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। हमारे पप्पू से गप्पू तक का जिनका सफर है, उनको चाहिए कि मम्मी जी के घर से निकल करके मनमोहन सिंह जी के घर तक चले जाए, उनको सारी इस पूरे के पूरे डील की सच्चाई पता लग जाएगी। राहुल ने राफेल डील पर सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांदे का हवाला देते हैं, तो कभी फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति मैक्रों का। राफेल के एग्जीक्यूटिव ने कह दिया है और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। मिस्टर राहुल गांधी, वी चैलेंज यू टू प्रोड्यूस एनी सच स्टेटमेंट वेयर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज क्लेम्ड 10। कहां पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है? आप वो कागज की टुकड़ी, आप वो जवान उनके दिखा दीजिए। कोई ऐसी बाइट हो आप दिखा दीजिए। आप यहां मौकरी कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ। तय मानिए, कांग्रेस को राफेल में बोफोर्स जैसी ताकत दिखने लगी है, लेकिन सियासी वार को वोट में तब्दील करना इतना आसान भी नहीं है। आज तक ब्यूरो। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं शाहनवाज हुसैन साहब। सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अंबानी के चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं। जवाब दीजिए, कह रहे हैं आप लोग कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे, इस्तीफा दीजिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। देखिए, पहले जो प्रधानमंत्री होते थे मनमोहन सिंह जी, उनका तो कागज फाड़ कर ये फेंक देते थे, क्योंकि वे परिवार के प्रधानमंत्री थे। और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको देश की जनता प्यार करती है, जिनके साथ आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम है, जो एक ईमानदारी के सिंबल माने जाते हैं, अगर 1,000 बार आप झूठ बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दामन पर दाग लगाएंगे, वो दाग नहीं लग सकते। जिन कांग्रेस पार्टी के दामन पर हजारों दाग लगे हुए कि दो देशों के बीच का ये डील हुआ है, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इसको सत्ता में रहते हुए
10 साल तक रोकने का काम किया, वायुसेना को कमजोर करने का काम किया, और जब विपक्ष में है तब ये चाहते हैं कि भारत के वायुसेना में राफेल ना आए, भारत की वायुसेना की ताकत ना बढ़े। तो अगर देश के सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ अगर कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है, इसका जवाब देश की जनता देगी। हमने कोई भी बात छिपाई नहीं है। ठीक है, देखिए हम कहाँ हटाने वाले हैं, हटाने वाले वही हैं जो लाए हैं इनको, ये वोट से आए हैं, वोट से जाएंगे, हम कहाँ से हटाने आए भाई। तो इस्तीफा, ये कैसी बात हो यार। इनका ट्रिक मैं आपको बता दूं, कोई इनसे प्रश्न कह दे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई इनसे बोल दे साहब आप यहां गलत कर रहे हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं, अरे साहब राष्ट्र प्रेमी का ठेका आपने ले रखा है, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, 4.5 साल से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कुछ कर लीजिए। हम चार प्रश्न पूछते हैं, उत्तर अलग अलग मंत्री अलग अलग दे देते हैं। हम कहते हैं कि 526 करोड़ की चीज 1670 में क्यों, तो कहते हैं कीमत तो हम बताएंगे नहीं, गोपनीय है। फ्रांस के राष्ट्रपति कीमत बता सकते हैं, अनिल अंबानी की कंपनी कीमत बता सकती है, डसॉल्ट कीमत बता सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश के करदाता को जिसकी जेब से यह पैसा जाता है वो ये नहीं बताना चाहता, कहता है गोपनीय है, ये झूठ नहीं है तो क्या है। दूसरा मंत्री आ जाता है, दूसरा मंत्री से पूछते हैं भाई एचएएल को क्यों हटाया, बोले एचएएल सक्षम ही नहीं है। एक और मंत्री आ जाता है, कहता नहीं एचएएल सक्षम तो है लेकिन डसॉल्ट और एचएएल का आपस में विवाद है। अरे जब डसॉल्ट कहता है विवाद समाप्त हो गया, फिर जवाब आ जाता है वापस से फ्रांस से, पवन जी हमें तो भारत सरकार ने कहा अनिल अंबानी को लेना है, अंदर से डसॉल्ट कंपनी का कागज आया कि एक कॉम्पेंसेशन है हमें, अगर अनिल अंबानी को काम नहीं देंगे, नहीं आपकी इजाजत तो नहीं, टोका मुझे भी पूरा बोलने, टोक नहीं रही हूं, बस एक कंडीशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं सर कि ये सब तो पुरानी बातें हो गई। राहुल गांधी ने दो नई बातें कही हैं सर, आप ही पूरी कीजिएगा अपनी बात। राहुल गांधी ने दो नई बातें की, इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि डसॉल्ट कंपनी को जा रही है सीतारमण ये डील तय करने, पहुंचिए पहुंचिए जी। बिल्कुल अंजना जी, अंजना जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, उस पर भी मैं आ रहा हूं। ये जो इतिहास बताते हैं जीप स्कैंडल, तो थोड़ा इतिहास तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये डसॉल्ट का, रफेल का तो बताने दीजिए, ये तो सीधा नेहरू जी तक चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि नेहरू जी के बाद 9 इलेक्शन कांग्रेस जीती, तो अपना तो चुनाव बता देते हैं, अरे इतने लोगों ने जिताया, हम तो वो देश प्रेमी लोग हैं, हमें तो लोग जिता के लाते हैं, तो आप हमें भी हिंदुस्तान के ही वोटर ने वोट दिया था और कई बार दिया, आपसे कहीं ज्यादा वोट मिले, आपसे कहीं ज्यादा बार मिले, इसलिए थोड़ा अहंकार के घोड़े से नीचे उतरिए और अपने प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए कि अंबानी का प्रधानमंत्री नहीं है वो, इस्तीफा दे या जवाब दे। मोदी जी आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा बोला आज, या तो जवाब दो और या हिसाब किताब दो और इस्तीफा दो, दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी, अब आप बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते। ये राजीव जी के पीछे छिपना बंद करिए, ये इंदिरा गांधी के पीछे छिपना बंद करिए, या आप लोग नहीं छिप पाएंगे, अब जनता आपका असली चेहरा देख रही है, जनता अब आपसे प्रश्न पूछ रही है तो डर जाते हैं, नेहरू जी के पीछे छिप जाते हैं, बंद करिए। घनश्याम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, शहनाज जी जवाब दीजिए, शोभा नहीं दे रहा आप बोलना शुरू करते हैं, अरे प्रश्न पूछ रहे हैं आप, मजाक उड़ा रहे हैं जी जी। मैं कह रहा हूँ की हल्ला हल्ला बोल प्रोग्राम देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है और आपके यहाँ सीरियस डिबेट होती है, देश देख रहा है कि अहंकार किसमें है और शालीनता किसमें है, ये देश देख रहा है। 132 करोड़ के दिल में धड़कने वाले प्रधानमंत्री को आप इस्तीफा ले लेंगे, शालीनता की डिबेट नहीं है, प्रश्नों पर कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको हटा लेंगे, बातें करने से टाइम मत वेस्ट करिए, रेट बताइए, कीमत बताइए, और कीमत बताइए, कीमत बताइए, कर्नाटक में कीमत बताइए, बोलिए मैं बोलता हूँ रफेल नहीं, कीमत में फर्क क्यों, जानते हैं कि मेरे हितों के साथ खिलवाड़, इसलिए आप जब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, इसका जवाब पवन खेरा जी मेरी बात को संयम से सुनिए, हमें क्या छुप रहा है वो हम आपको बता दें, एक हजार बार झूठ बोलेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए, 126 विमानों को घटाकर 36 क्यों किए, 126 विमानों को घटाकर 36 किया या नहीं, इसका जवाब दीजिए, 100 बताएंगे, ये बताइए, जांच करेगी, इसका जवाब दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में विमान आ गया तो वो छोड़िए, आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट पास चले जाते हैं, आप लोग थे, आपकी असलियत आप लोग देख चुके हैं, प्रधानमंत्री थे, आपके पास उत्तर नहीं है, यहां की बातें मत करिए, नरेंद्र मोदी जी से 4 प्रश्न है उसके जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री आप हैं, जवाब अच्छा है शानवा जी, प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अब तो यह स्पष्ट है ये सरकार भ्रष्ट है, प्रधान आपकी पार्टी पार्टी के साथी है, राफेल पर ही लटककर अब सत्ता मिलेगी ऐसा लगता है, ये जीप जीप में मत घूमिए, अब तो राफेल का जमाना आ गया है, जीप जीप में। शहनवाज जी ने बोला कि 132 करोड़ भारतीयों के, मैं आपको बता रहा हूँ उसको,
ये प्रधानमंत्री के पास इस्तीफा नहीं देने की कोई वजह नहीं बची है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सौदा करते हैं, उस सौदे से जुड़ा हुआ दो लोकतंत्र है, एक फ्रांस का लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र। हमारी मीडिया फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति से सवाल पूछ सकती है, हमारी मीडिया फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति से पेरिस जाके सवाल पूछ सकती है, लेकिन हमारी मीडिया को हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं करते उनसे। हमारी मीडिया से हमारे प्रधानमंत्री नहीं बता सकती कि क्या हुआ, जिस चीज की कलई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुल रही है और देश की नाक नीचे हो रही है, देश की नाक। चौकीदार चोर है से शोर है, इस्तीफा दो सब हो रहा है और सरकार लगातार इसका जवाब भी दे रही है। कुछ पुराने आरोप और उसका जवाब दिखाते हैं। जहाज की प्राइस क्या थी, क्या आपकी प्राइस यूपीए वाली प्राइस से ज्यादा थी या कम थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक कंपनी है, आपने उस कंपनी को परे कर एक उद्योगपति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने हवाई जहाज आज तक नहीं बनाया है, जिसका हवाई जहाज बनाने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देश ये जानना चाहता है कि आपने नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार की बात की। जय शाह अमित शाह के पुत्र ने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में 3 महीने में बदला, राफेल में घपला हुआ है, आप इसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हो? ये है क्रेडिबिलिटी इशू। पहली बार डिफेंस मिनिस्टर कहती हैं कि हम हाँ जो हमने पैसा दिया है खरीदने के लिए हवाई जहाज वो हम किसी को नहीं बताएंगे, घपला हुआ है। और मोदी कैसा घपला हुआ है, मोदी जी ने पर्सनली ये डील कराई है। राफेल डील में चोरी हुई है हाँ या ना, और क्लियरली बता देना चाहिए। हमारे 3 सवाल हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट बदला पेरिस में जाके, आपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पूछा था हाँ या ना, और आपने क्या दाम हवाई जहाज के लिए दिया? जहाज बिना विपन के दिल्ली से मुंबई उड़ के चला जाएगा, लेकिन वो जहाज किसी पायलट के ट्रैवल के लिए नहीं है, वो जहाज अटैक जहाज है। उसमें वेपन चाहिए, उसमें मिसाइल चाहिए, उसमें बाकी डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए। राहुल गांधी की तरह हम गैर जिम्मेवार नहीं है कि हम सब कुछ खोलकर बताएंगे। मेन एयरक्राफ्ट उनके एयरक्राफ्ट से 9% कम है और विपन के साथ लगा हुआ एयरक्राफ्ट उनके द्वारा निगोशिएट किए से 20% कम है। राहुल गांधी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप देश की सुरक्षा का खेलना बंद करें, बहुत खेल चुके आप। कभी आपने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की गवाही दो, आप ही ने कहा था ना। आज देश को हम मजबूत करने चाह रहे हैं, तवा पड़ंगा लगा रहे हैं। राहुल गांधी कुछ विदेश नीति का मतलब समझते हैं? कितना झूठ बोलेंगे। मनमोहन सिंह ऑल्सो डिड नॉट अप्रूव व्हाट ही सेड। क्या मतलब है राहुल गांधी आपका? ये आप इतने गैर जिम्मेवार हो जाएंगे कि आप देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अगर राहुल गांधी फ्रांस सरकार के द्वारा ऑफिशियली कॉन्ट्रेक्ट करने के बाद भी वो झूठ को चला रहे हैं तो आप क्या बोले? रविशंकर प्रसाद जी अक्सर इस पर बड़े गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब उल्टा मांग रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली शाहनवाज हुसैन साहब आपको एक ऐसा जवाब देना होगा क्योंकि राहुल गांधी लगातार छवि पर अटैक कर रहे हैं। और याद रखिए, चुनावों में छवि बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस से बेहतर ये कौन जानता है। शाहनवाज जी, सबकी बातों का जवाब। पवन, सवाल ये है कि सवाल करने वाले की छवि कैसी है? उनको बोले राफेल पर ही रहे। जब सवाल करने वाले के लोग ही बेल पर हों, सवाल करने वाले ही का परिवार पर मुकदमे चल रहे हों, खुद भ्रष्टाचार के जिनके 10 साल के शासन में स्कैम हुआ हो, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सवाल करने की। क्या राहुल गांधी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं? आप बताइए, सारी प्रक्रिया के बाद, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका मिला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बात इन्होंने की है। एक नहीं अनेक बार कहा कि कांग्रेस जो जहाज खरीद रही थी उससे 9% सस्ता और 20% सस्ता इक्विपमेंट के साथ ये जहाज है। कांग्रेस पार्टी, जिसको देश की जनता ने विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं समझा,
वो पार्टी नरेंद्र मोदी जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो देश में ईमानदारी के सिंबल माने जाते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, क्या सवाल पूछेंगे? ये क्या सवाल जवाब आया? वो क्या सवाल करेंगे? ये लोग जो भ्रष्टाचार में कोतरुचि को भगाने वाले लोग हैं, जब ये सवाल पूछेंगे कोई जवाब नहीं। इनका एक नहीं 20 बार जवाब दिया है, और इसलिए मैं हंसी आएगी देश की जनता जब रिजल्ट आएगा तो आप पे हंसेगी, क्योंकि आपको मालूम है हर चुनाव के पहले आप माहौल खड़ा करते हो। मुझे भी थोड़ा आपके पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपको तो कई जवाब देने, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं आप बोलिए और जवाब दीजिए। जी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति के लिए मुद्दे का अगर अभाव है तो जो देश के क्रेडिबिलिटी है, हर चुनाव आप हारते हैं, आपकी इसी गाली गलौज की भाषा पे, आपकी इसी बयानबाजी पर देश की जनता यही तो, इससे अच्छा टेक्निकल बात कर ले, सबक सिखाती है। अगर यही कांग्रेस का ही आग अलापना है, मुद्दों की कमी है तो मैं लाना चाहता हूँ इस मुद्दे बंद कर दीजिए। देखिए एक लाइन बड़ी स्पष्ट है, शाहनवाज जी आपके भी काम आएगी, शाहनवाज जी देश को भी सुनने दीजिए। आप सोचिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, आप कहते ना अलग अलग है विमान, इसमें है मत कीजिए कॉन्फ़िगरेशन, देश के प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट के फ्लोर पर एंड पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते हैं वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड, प्रधानमंत्री की इज्जत बीन टेस्टेड एंड प्रधानमंत्री को गले लगने लगते हैं। ये प्रधानमंत्री जी आप उस वक्त क्या बोल रहे थे, और बाद में आप रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं, और आपके ब्लॉगिंग मंत्री या तो वो झूठ बोल रहे हैं, आप आपस में तय कर लीजिए कि क्या बोलना है और एक जुबान में बोलिए। ये अलग अलग जुबान में बात करेंगे तो और फंसते चले जाएंगे जैसे फंस रहे हैं, और हम तो जानते हैं कि असलियत क्या है, हम तो ये समझ चुके हैं कि अब तो यह स्पष्ट है परिवार नहीं है, अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि आप अंबानी जी के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार नहीं हैं, आप युवाओं के खिलाफ हैं, आप एचएएल के खिलाफ हैं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, आपने वायुसेना को कमजोर किया है, और आप देश के लोगों का निलंबानी जवाब देते हैं। हम हमें मालूम है हम क्या बात कर रहे हैं, जेपीसी ले आते तो आज देश के प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा का अंत करते हैं।